बेटा घबराओ मत, थोड़ी सी देर और। भाभी जी हम लोग जल्दी ही पहुंच जाएंगे। ये हमारे गांव के रास्ते में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं ना कि उनको संभाल के चलाने में ही समय निकल जाता है। साहू सर जी, बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? कहिए। भाभी जी आपके लिए बहुत लकी है, शादी होते ही आपका प्रमोशन हो गया और देखो झपरा थाने में आप इंचार्ज। वाह। वैसे ये जगह कैसी है झपरा? जगह तो हमारा गांव बहुत अच्छा है वैसे तो। क्या हो गया? लगता है गड्ढे में फंस गई गाड़ी। चलो अब तो धक्का ही मारना पड़ेगा। अरे नहीं सर, आप मत उतरिए, बंद करिए दरवाजा सर, आप उतरिए मत सर, दरवाजा बंद करिए, मैं देख लेता हूँ। ओके। ओए, ये क्या कर रहे हो? सर एहतियात बरत रहा हूँ। किससे एहतियात बरत रहे हो? सर वो टोनी छुड़े से। टोनी छुड़े? मोई मैं कुछ मदद करूं? मोबाइल में टॉर्च है सर। हाँ सर चला दीजिए। चालू करिए सर। सर दीजिए। अब सुनिए, अब पीछे माता जी आ रही है, शायद उन्हें मदद की जरूरत है। कहाँ है? पीछे मत देखिएगा सर, आप ड्राइविंग सीट पे जाइए। क्या हुआ भोई? सर वो तो ही नहीं छुड़े सर, सर आप आइए सर, सर मैं धक्के मारता हूँ सर, चलाइए सर, अरे सर जल्दी दीजिए सर, सर जल्दी जल्दी निकल रही है। बबीता चाय। क्या हुआ तुम्हें? कल रात की घटना के बाद डर गई हो क्या? बबीता ये भूत प्रेत ये चुड़ैल ये सब कुछ कुछ नहीं होता, सब अंधविश्वास है। और वैसे भी तुम्हारा हस्बैंड पुलिस वाला है, तुम्हें बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। क्यों? तुम बिल्कुल मत घबराओ। क्या हुआ? यहां पे तो कोई भी नहीं है, ससुर जी भी नहीं है, सासू मां भी नहीं है, फिर भी? जी मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। हाँ ठीक है, आप जितना वक्त चाहे ले सकते हैं, चाय अच्छी बनी। सुप्रभात दरोगा साहब, झापरा गांव में आपका स्वागत है। बोही ने बताया था आपके बारे में। सतीश साहू, सुमित निषाद, इन पास में एक पाठशाला है, वहीं अध्यापक हूँ मैं। आपको जो भी काम हो आप मुझे बताएं। आप एक बात बताइए,
ये आपके गांव में हर किसी ने अपने घर के बाहर नीम की पत्तियां क्यों लगा रखी हैं? कोई रिवाज है क्या आपके गांव में? रिवाज तो नहीं है पर प्रिकॉशन है। किससे प्रिकॉशन? टोनी, टोनी चुड़ैल। चुड़ैल? आप अध्यापक है ना, फिर भी इन बातों में विश्वास करते हैं? साहू सर, डर विज्ञान से बड़ा होता है। मैं इस विश्वास का प्रचार नहीं करता, लेकिन हाँ डरता अवश्य हूँ। आप एक काम कीजिए, आप ना ये रखिए रखिए, जब भी आपको टोनी का डर सताए इसे अपने आसपास छिड़क लीजिएगा, क्योंकि टोनी सरसों के दानों को लांग नहीं सकती। क्या ये अध्यापक होकर भूत चुड़ैल ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये बचाएगी मुझे चुड़ैल से? जैन साहब, सर 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 जल्दी चलिए, वो टोनी चुड़ैल पकड़ में आ गई है सर। सर गांव वाले छोड़ेंगे नहीं उसको। आइए भगत जी। बम 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 महाकालाय, बम नीलकंठाय, बम ह्रीम, बम क्लीम। क्यों टोहनी चुड़ैल, हमारे गांव के नौजवानों पे नजर है तेरी? नहीं। खून चूसना चाहती है उनका? नहीं। भगत के रहते तू ये कभी भी नहीं कर सकेगी, कभी भी नहीं, समझे? कौन है रतु और मेरे काम में विघ्न डालने की तेरी जरूरत कैसे हुई? पुलिस वाले को रोब दिखाता है, चार डंडे पड़ेंगे ना सारी अखंड निकल जाएगी। ओए गिरफ्तार करो इसे। क्या हुआ सर? सर हम इन गांव वालों के बीच में नहीं पड़ते सर। हम बीच में नहीं पड़ेंगे तो कौन पड़ेगा? जिम्मेदारी है हमारी, ड्यूटी है। लाओ। चल। आप बीच में मत पड़िए, ये हमारे गांव का मामला है, हम निपट लेंगे। आप यहाँ नए हैं, आप जानते नहीं इसे, ये चुड़ैल है, चुड़ैल टोहनी चुड़ैल। किस सदी में रह रहे हैं आप सरपंच जी? मैं आपको एक बात बता दूं सरपंच जी, कानून का दर्जा सबसे ऊपर होता है और मैं आपको या आप में से किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेने दूंगा। बहुत हो गया तुम्हारा ये ड्रामा, चाहिए आप सब भी, ये टोनी वोनी कुछ नहीं होता है। होता है साहब, होता है। ये बुढ़िया जब से इस गांव में आई है तो खून हो चुके हैं, इसे मैंने मेरे बच्चे का खून चूसते हुए देखा है और ये रूप बदल लेती है। नहीं साहब, मैं ऐसी नहीं हूं, मैं रूप नहीं बदल सकती। ये सही कह रहा है, आप हट जाइए हमारे बीच में से। आप लोगों की सोच कितनी पिछली हुई है, ये टोहनी वोनी ये सब लोक कथा है, सच्चाई नहीं है। आप लोगों का डर इस मासूम की जान ले लेगा, लेकिन मैं जब तक यहां पर हूं मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। देखता हूं कौन रोकता है मुझे।
आप क्या कर रहे हो? पिस्तौल से इधर कोई डरने वाला नहीं है। गांव वाले को अपना काम करने दीजिए सर। चलिए सर। बस। कल शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन है और पूर्णमासी का चांद चमकेगा। बस तभी मेरी तांत्रिक शक्तियों से ये स्वयं भस्म हो जाएगी। सरपंच जी, आप प्रबंध शुरू कीजिए। जी भगत जी। बम बम। मुझे बचा लो सर, मुझे बचा लीजिए। गाड़ी यही रुक दीजिए। जा, अब इतनी रात को इस जंगल में अकेले कहाँ जाएंगी? यही पास में ही मेरी बहन का घर है, वहां गाड़ी नहीं जा सकती, मैं पैदल चली जाऊंगी। देखिए, लेकिन मैं आपको मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जानते नहीं, ये सब मेरी जमीन की वजह से हो रहा है। सरपंच और भगत दोनों मेरी जमीन हड़पना चाहते हैं, इसलिए मुझे चुड़ैल साबित कर मुझे जान से मार डालना चाहते हैं। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। साहब, अब मेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं है। गांव वाले आपकी भी बात नहीं सुनेंगे और मुझे भी मार डालेंगे। अब मैं चलती हूँ। मैं आपकी मदद करता हूँ। आराम से। अच्छा साहब, अपना ख्याल रखिएगा। आप ये टॉर्च ले जाइए, काम आएगी आपके। धन्यवाद। लोगों की सोच को एकदम से बदल लाना नामुमकिन है, पर भोई और वर्मा को तो समझना चाहिए ना। पुलिस वाले होके ऐसी सोच कैसे रख सकते? वो भी तो इसी गांव के हैं, उनकी विचारधारा बदलनी होगी। अपने ओहदे का रूप दिखाकर नहीं, बल्कि उन्हें सच्चाई दिखाकर कि चुड़ैल जैसा कुछ होता ही नहीं। लेकिन वो लोग, पर आपने उसकी जान बचाकर बहुत अच्छा काम किया। हमें आप पर गर्व है। अब मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो ना। बाबूजी का फोन आया था, माँ की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, अगर आप कहें तो मैं 2-4 दिन के लिए रायपुर हुआ। अब अगर आपकी माँ की तबीयत खराब है तो मुझे लगता है आपको जाना चाहिए। बस 2-4 दिन में मैं लौट आऊंगी, आप टेंशन ना लें, सब ठीक हो जाएगा।
बस निकलने में आधा घंटा है। नूर, मैडम को ठीक से छोड़ देना। पिताजी को मेरा प्रणाम कहना, पहुंचते ही फोन करना। और सुनो, जल्दी आ जाओ, मिस करेंगे। साहब कल वाली चुड़ैल भाग गई। साहब कल वाली चुड़ैल भाग गई, लोहे की बेड़िया तोड़ के भाग गई साहब। अब सब सत्यानाश हो जाएगा साहब। अच्छा ही हुआ, वरना आप लोग मार देते उसे। साहब आप शहर के हो इसलिए इस बात को नहीं मानते हो, पर हम गांव वाले तो इस बात को मानते हैं ना साहब। साहब चुड़ैल होती है साहब। वो तो भला उस सरपंच का जिन्होंने भगत को इस गांव में लेके आया। कहां मिलेगा ये भगत? भगत जी और क्या सेवा करूं, बम बम। वाह भगत जी वाह। तो ये मिलता है आपको चुड़ैल को पकड़ने के लिए, उसे भगाने के लिए, ये सब कुछ मिलता है। बढ़िया। आप जानते हैं हमारा जो देश है भारत, उसमें औरत को देवी माना जाता है, उसकी पूजा की जाती है, जात का, समाज का, परिवार का चिन्ह माना जाता है। क्यों सरपंच जी, एक औरत की पूजा तो आप भी करते हैं देवी मानकर उसे, और दूसरी औरत को चुड़ैल करार कर मार देना चाहते थे। क्या कर क्या रहे हैं आप लोग? ये बात को अपने भेजे में डालिए, ये आदमी फ्रॉड है, भूत प्रेत ये सब कुछ नहीं होता। होता है, होता है। मछली मालूम है तुझे? मछली, उसे जमीन के अस्तित्व और आकाश के वजूद का कोई ज्ञान नहीं होता, पानी में रहती है ना वो। तू भी ऐसा ही है और इतने सारे इंसान भी ऐसे ही हैं जिन्हें इस चीज का एहसास नहीं है कि तुम्हारे चारों तरफ एक दुनिया है, वो दुनिया जो अदृश्य है, क्योंकि उस दुनिया का अपना रंग है, अपना रूप है, अपने कानून है। ओ वर्दीधारी, थोड़ा ज्ञान भी ले ले मुझसे। ऐसा उन औरतों के साथ होता है जिनकी मृत्यु महीने के समय या प्रसव के दौरान हो जाती है। वो टोहनी चुड़ैल बनती हैं जो बूढ़ी, कुरूप और शरीर की भूखी होती हैं। अब तू मेरी एक बात सुन, तेरी ये जो बातें हैं ना, इससे तू गांव के लोगों को बेवकूफ बनाता होगा। मैं इन सब चीजों को नहीं मानता। मानना पड़ेगा। बम बम। क्योंकि ये सब मनगढ़ंत नहीं है और सच्चाई ये है कि टोनी की कभी नैसर्गिक मृत्यु नहीं होती। टोनी कभी मरती ही नहीं, वो सिर्फ बूढ़ी होती है और इसीलिए वो गांव की किसी खूबसूरत कन्या की शरीर में समाकर नौजवानों को अपनी तरफ आकर्षित करती है और फिर उनका खून चूस कर उनको मार देती है। अनुभव है हमारा, अभ्यास किया है हमने। गलत अभ्यास किया है तुमने, जो कि अपने फायदे के लिए किया है बस। और एक बात और सुन, उस औरत को मैंने भगाया था, कोई चुड़ैल नहीं थी वो, सब बताया उसने मुझे। सरपंच जी, उस औरत की जमीन हड़पना चाहते थे आप, इसलिए मानना चाहते थे ना उसे। उसके पास कोई जमीन नहीं थी, कई महीनों से भटक रही थी गांव में। हमने जमीन दी थी उसे झोपड़ी बांधने के लिए, तो हम क्यों छीनेंगे उसे? जैसा कहा आपने मान लिया। उस टोनी चुड़ैल की मोह माया में फंस गए आप। अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी, सबको मार देगी गांव में। भगत जी, अब आप ही कुछ कर सकते हैं, बचा लीजिए हमें। भाई वर्दीधारी, बड़ा अनर्थ कर दिया तन्ने।
अब एक बात याद रखना, इस गांव में आज के बाद अगर कोई मौत हो गई तो तेरा ही नाम आएगा, तेरी जिम्मेदारी होगी। फिर मत आना मेरे पास कहने के लिए कि भगत जी मुझे बचा लो। गलती तो तूने कर ही गई, अब नारियल से दूर रहना, नारियल से। बबीता, नारियल से दूर रहना, नारियल से। जाती नहीं हो तुम? नारियल पानी था, आपने फेंक क्यों दिया? क्या हुआ है आपको? मुझे बचा लीजिए। कुछ नहीं, तुम गई नहीं, जाने वाली थी। वो बाबूजी का फोन आया था, उन्होंने कहा कि चिंता की अब कोई बात नहीं, और उन्होंने ये भी कहा कि शादी के बाद हम दोनों को अकेले वक्त नहीं मिला, इसलिए। अच्छा, तो ऐसा कह रहे थे बाबूजी? मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही है, सही नहीं हो रहा है, जवाब चाहिए मुझे। अरे कहाँ जा रहे हैं आप, सुनिए। भारी खड़े रहोगे तुम, डरो। सर, इतनी रात को हम इस चुड़ैल के घर पे क्यों आए? यहाँ इसलिए आए हैं ताकि तुम्हें यह समझा सकें कि चुड़ैल वुड़ैल कुछ होती नहीं है, और मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब चाहिए इस जगह से। सर मुझे डर लग रहा है सर, सर अब चले सर। गुड़िया है गुड़िया, बाल है सर। हाँ तो इसमें डरने की क्या बात है, ये देखो चलाओ इसे।
इस घर में है क्या डरने जैसा? कपड़े हैं, ये खाना बनाने के बर्तन है, संदूक है, आपकी चुड़ैल तो खून पीती है ना, उसे इन सब चीजों की क्या जरूरत है? पपीता का फोन? हेलो हेलो हेलो, हाँ बोलो। कैसा रहा आपका दिन? खाना खाया आपने? माँ की तबीयत अब बिल्कुल ठीक है, मैं 2 दिन बाद वापस आ जाऊंगी। वापस आ जाऊंगी मतलब? बोल कहाँ से रही हो तुम? घर से, रायपुर से। रायपुर से? आपकी आवाज कट रही है। हेलो, सर सब भाभी जी को क्या हुआ? पपीता, पपीता सुनिए, आप मुझे क्यों फोन कर रहे थे? तुमने मुझे फोन किया था ना? नहीं तो? ये क्या पहन लिया तुमने? क्यों, अच्छा नहीं लगता? अपनी जवान बीवी को घर पर अकेला छोड़कर कहाँ घूमते रहते हो साहू साहब? अब मुझे और वक्त नहीं चाहिए। वही गाड़ी रोको। क्या हुआ सर? गाड़ी रोको। क्या हुआ सर? सर क्या हुआ? सर क्या हुआ? सर पानी 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 देखो, पानी मैं भी लेके आता हूं। पानी
इसे मैंने मेरे बच्चे का खून चूसते हुए देखा है। मुझे बचा लो। उस टोनी चुड़ैल की मोह माया में फंस गए आप। नारियल पानी लीजिए। क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ आपको? ये बुरा सपना देख लिया क्या? आप ठीक हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं, सो जाओ तुम। सो जाओ, मैं ठीक हूँ, सो जाओ। आपकी तबीयत तो और बिगड़ती जा रही है, और ये खून की उल्टी। साहू सर, क्या हुआ सर को? ये सब वो चुड़ैल की वजह से हुआ है। बॉय, सर आपकी मैं एक बात नहीं सुनूंगा। सुमित जी, दो रात पहले इन्होंने उस चुड़ैल को रिहा किया था, और ये देखिए आज इनकी हालत क्या है। ये सब ये चुड़ैल की वजह से हुआ है। बॉय, कुछ भी मत बोलो। सर एक सेकंड, सर सर ये है सरसों के दाने, रखिए अपने पास। सर रखिए अपने पास। सर जब भी आपको टोने का एहसास होना, सर छिड़क लीजिए अपने पास। सर गाँव वालों को मानना है, क्योंकि टोनी सरसों के दानों को लांग नहीं सकती। प्लीज सर। नहीं, कदापि नहीं। भगत जी हमारी विनती मान लीजिए। साहू सर के ऊपर से ये भूत बाधा को उठाइए। ये सब टोनी का प्रकोप लग रहा है हमें, ये जान लेके रहेगी। आप जो बोलेंगे वो लाके देंगे। मांस, दारू, कपड़े, पैसे। तुझे क्या लगता है मैं सब दारू, मांस, पैसा, कपड़े के लिए करता हूँ? नहीं, मैं ये सब करता हूँ लोगों को भूत प्रेतों से, पिशाचों से, चुड़ैलों से बचाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, और इस आदमी के लिए जिसे हमारे कथन पर, हमारी विद्या पर, हमारे अनुभव पर विश्वास नहीं है, उसके लिए मैं कभी कुछ भी नहीं करूंगा, कभी नहीं। शब्दों पर कैसे विश्वास होने लगा उसको? भगत जी, आप इसे मौका ही समझिए। साउथ का विश्वास जीतिए, उन्हें शैतान पर विश्वास नहीं है, पर भगवान पर तो है। आप तो बड़े कमजोर निकले, दो ही रात में दम निकल गया आपका। दिमाग खराब हो गया मेरा।
आपके दिमाग में सारा दिन वो चुड़ैल जो घूमती रहती है। कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा है कि वो चुड़ैल मैं हूं? ये क्या कर रही हो तुम? नहीं, मैं आपके लिए सूप लेकर आती हूं। जब भी आपको टोनी का एहसास हो ना, इसे छिड़क लीजिए अपने पास। सर, गांव वालों को मानना है क्योंकि टोनी सरसों के दानों को लांग नहीं सकती। कब से फोन लगा रही हूं, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे? ये क्या हुआ है आपको? आप इतने कमजोर क्यों दिख रहे हैं? डॉक्टर के पास गए थे या नहीं? ये सरसों यहाँ क्यों बिखरी पड़ी है? लगता है गांव वालों को समझाते समझाते आप भी अंधविश्वासी हो गए। मैं अभी साफ कर देती हूँ। आपने बताया नहीं, आपकी तबीयत इतनी खराब है, आप डॉक्टर के पास होकर भी आए हैं नहीं? जरा पैर ऊपर कीजिए। बीवी को मारोगी? वहां कौन है? वहां किसे देख रहे हैं आप? प्यार नहीं करते मुझसे? क्या हो गया तुम्हें? दीजिए ये पिस्तौल, मुझे दीजिए, दीजिए। पपीता, मुझे बचा लीजिए साहब, मुझे बचा लीजिए, नहीं तो गांव वाले मुझे मार डालेंगे। चुड़ैल पे विश्वास नहीं है ना तुम्हें?
लोक कथा ही कहीं ना कहीं सत्य पे आधारित होती है। गांव वालों से मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दो को मार चुकी हूं मैं, तीसरे की तलाश थी, तुम हीरो बनकर मुझे बचाने आ गए। हाय, हीरो का खून चूसने में बड़ा मजा आएगा। पिछली बार धोखा दे दिया था मुझे, अब छोड़ूंगा नहीं तुझे। बच के नहीं जा सकती तू। बेवकूफ बना रही थी भगत को, अब तेरी शक्तियों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। सही थे भगत, मैं गलत था। भगाओ उसे, भगाओ। भम भम भस्म, भम भस्म, भम भस्म। भम फट। थोड़ी तुझे जाने नहीं दूंगा आप मैं। भम भम फट। गीता, तुम ठीक हो? हाँ ठीक हो तुम? रोम कान की तान की मसान की, भोले बाबा लाज रखना भगत किसान की। वापस नहीं आ सकेगी कभी भी टोनी, कभी भी नहीं। चल चल। बम स्वाहा, बम स्वाहा, बम वाह। बम बम, बम।